Hello guys and welcome to Aficionado's Den where we stay in class. And guys, आज जो whisky मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ वो है Royal Ranthambore. So this is a whisky that is made by Radico Khaitan. Radico Khaitan के और बहुत सारी whiskies available हैं इंडिया में. Some of them are of international fame like Rampur Single Malt और इसकी rums वगैरह, vodka और भी बहुत सारी चीज़ें हैं. और इसकी मैं एक रम का तो रिव्यू कर भी चुका हूँ विच इज़ प्लूटन बे. द लिंक इज़ इन द आई बटन, गो हैड वॉच द वीडियो. सो बात करते हैं रॉयल रणथंभौर की. दिस बॉटल इज़ ऑफ 750 ml एंड इट कॉस्टेड मी 1100 rupees इन गुड़गांव. प्राइजिंग की बात तो हो गई, चलिए बात करते हैं इसके नाम की. सो रॉयल रणथंभौर, आप लोग ये तो जानते ही होंगे कि रणथंभौर इज़ अ प्लेस इन राजस्थान which is a wildlife sanctuary and tiger reserve. So basically this whiskey or the name Royal Ranthambore is an ode to the tigers that stay in Royal Ranthambore. And of course the royal signifies the land of royalty, that is Rajasthan. So yes, this is an ode to the tigers as well as the warrior kings who used to rule the land of Ranthambore. So that is pretty much about this whisky. ये एक बहुत ही premium type of whisky है. This is made for the connoisseurs of whisky. And of course, this is made in India. This is an Indian whisky made from Scotch malts and Indian grain spirits. अच्छा, एक चीज़ है इसमें कि इसमें of course color है added, caramel color. But there is no molasses added into this, so which is a really good thing. Chali, let's go ahead and unbox this whiskey and see what this whiskey has to offer. Chali, agar aap dabbe ki baat karu main, agar to ek bahut hi badhiya dabba hai aur agar aap dabbe ka color dekhenge to it actually resembles the coat of tigers. Aap dekhiye iske upar ek tiger ka face bhi bana hua hai. So this is Royal Ranthambore for you. और मैंने guilty as charged, yes, मैंने bottle पहले खोल के देखी है. Trust me, it is a very beautiful bottle. मैं अभी खोल रहा हूँ आपके सामने. ये देखिए, एक बहुत ही premium और बहुत ही प्यारी सी bottle है. With cut glass, almost resembles like a cut glass piece. Very beautiful bottle indeed. आप देखेंगे कि यहाँ पे भी टाइगर का फेस है, प्लस इट इज़ एम्बॉस्ड ऑन द बॉटल एज वेल. तो अ वेरी ब्यूटिफुल बॉटल इंडीड. अगर मैं सच बताऊँ तो ये देख के कोई भी नहीं बोल सकता, अगर किसी को ना पता हो कि दिस बॉटल इज़ ऑफ एन इंडियन विस्की. इट हैज़ सच अ प्रीमियम बॉटल टू इट. तो चलिए, लेट्स गो हेड एंड ओपन इट एंड लेट्स सी वॉट दिस विस्की हैज़ टू ऑफर. लेट्स गो. ये कैप जो है, ये डेफिनेटली लगता ज़रूर है कि ये कॉर्क है, बट अनफॉर्चुनेटली एंड दिस इज़ द ओनली प्लेस वेयर आई गॉट डिसअपॉइंटेड एज ऑफ नाउ, कि ये कैप अगर कॉर्क होता तो इट वुड हैव बीन वंडरफुल, बट अनफॉर्चुनेटली इट इज़ नॉट. इट इज़ अ स्क्रू कैप एंड इट हैज़ अ स्टॉपर इन इट. अगर यही होता कॉर्क एज वेल एज ओपन बॉटल, तो मैं शायद इसको एज अ डिकेंटर यूज़ करता इस बॉटल को. इट इज़ सच अ ब्यूटिफुल बॉटल. तो चलिए, लेट्स गो हेड एंड पोर इट. अगर मैं इसकी बात करूँ इस लेबल की, तो इट इज़ जस्ट अ क्यूआर कोड. इफ़ यू स्कैन द क्यूआर कोड इट वुड टेक यू टू द वेबसाइट वेयर इट वुड टेल यू मोर अबाउट द विस्की. तो चलिए, इसकी हमें ज़रूरत नहीं है. लेट्स गो हेड एंड पोर इट एंड लेट्स सी व्हाट दिस विस्की हैज़ टू ऑफर. चलिए, तो गाइस अगर मैं कलर की बात करूं तो एक गोल्डन कलर है विस्की का. बहुत ज्यादा ओवरपावरिंग गोल्डन कलर भी नहीं है कि एम्बर हो जाए. इट इज गोल्डन, इट इज नॉट इवन लाइट गोल्डन. गोल्डन कलर है विस्की का. वाओ, सीरियसली इट इज अ वेरी ब्यूटिफुल नोज.
हल्का सा अल्कोहल का स्निफ है, बट मे बी इट इज़ बिकॉज मैंने अभी बॉटल ओपन करी है, या लेट्स गो अहेड एंड सी व्हाट इज इट. बट अगर मैं नोजिंग की बात करूँ तो वी हैव ऑर्चर्ड फ्रूट्स, वी हैव केक लाइक अरोमास टू इट, अ बिट ऑफ पीटीनेस ऑफ कोर्स. वेरी नाइस. चलिए लेट्स गेट ऑन टू द टेस्ट. I can taste a bit of peatiness in it, of course. There are orchard fruits in it. There is a bit of citrus in it, of course. I can definitely get flavors of cake, Christmas cake, या फिर stewed fruits, stewed orchard fruits, या फिर कहना चाहिए कि plum cake. Yes, a bit of floral aromas in it. Bit like butterscotch, bit of fudge in it, bit of honey. So let's go ahead and get on to the second taste. Let's see. Yeah. So orchard fruits जो हैं, apples, pears, वो एकदम ऑर्चर्ड फ्रूट्स की तरह नहीं आ रहे. दे आर लाइक स्टूड फ्रूट्स, अ बिट ऑफ स्पाइसीनेस इन इट. यस, दैट इज समथिंग दैट आई कैन गेट आउट ऑफ इट. पीटीनेस, यस, अच्छी खासी है पीटीनेस इसमें. एंड यस, द फिनिश इज लॉन्ग. आई कैन स्टिल गेट द फ्लेवर्स ऑफ द विस्की ऑन माई पैलेट. द बॉडी इज मीडियम टू फुल बॉडीड. मैं ये नहीं बोलूँगा कि फुल बॉडीड है, बट येस, मीडियम से थोड़ी अच्छी बॉडी है इसकी विस्की की. दैट्स प्रिटी मच अबाउट द विस्की एज इट इज. लेट्स गो अहेड एंड ऐड अ डैश ऑफ वाटर टू इट. लेट्स सी कि कंपैरेटिव टेस्टिंग पे क्या फ़र्क आता है. लेट्स गो अहेड. ओके, अ बिट ऑफ मॉल्टीनेस हैज इमर्ज्ड. हल्के कोकोनट के अरोमाज आ रहे हैं मुझे. अ बिट ऑफ सिट्रस इन इट, फ्लोरल ऑर्चर्ड फ्रूट्स, अ बिट ऑफ पीटीनेस, यस, दैट इज समथिंग दैट आई कैन गेट. अ बिट ऑफ ऑयलीनेस इज व्हाट आई कैन गेट ऑन द नोज नाउ. फज के अरोमाज आ रहे हैं मुझे इसमें से. चलिए लेट्स गेट ऑन टू द टेस्ट. Quite interesting, I would say. The flavors have changed a lot. I would say coconut ke aromas aane shuru ho gaye hain isme. Isme woodiness aani shuru ho gayi hai. Isme floral notes halke se aane shuru ho gaye hain. Isme citrus ke notes aane shuru ho gaye hain on the palate. Fruits ka of course hai isme flavor abhi bhi. Let's get on to the second taste. Yeah, pretty much the same taste that I can get from this whiskey in the second taste as well. एक चीज़ मैं बोलूँगा कि हल्की सी कड़वाहट है which I can get at the back of my palate. But apart from that, a very beautiful whiskey indeed. Must try for everyone. अगर आप लोग ने try करी है तो मुझे बताओ in the comments box आपको कैसा लगा. और अगर नहीं try करी है तो please go ahead and try it and let me know कि आपको कैसी लगी. But do drink responsibly and do not drink and drive. And अगर मैं इस whiskey के aficionados report card की बात करूँ तो on the price point I would give it a 8, but on the taste I would definitely give it a 9. So इस whiskey का aficionados number होता है 8.5. Well, that's it for this whiskey today. Very beautiful whiskey indeed. Definitely must have for everyone. ट्राई कीजिए, बताइए मुझे कि आपको विस्की कैसी लगी. एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू दिस चैनल. प्लीज़ शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स हु आर फैंस ऑफ रॉयल रणथंभौर, या फिर उन लोगों से भी जिन लोगों ने अभी तक ट्राई नहीं की है. एंड एज वी से इन एफिशिएंट आउट ऑफ 10,
Stay classy and cheers.